वहीं नगरी निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन के बैनर तले एक बार फिर भिलाई निगम के सफाई कामगारों ने वेतन नहीं काम नहीं का नारा बुलंद करते हुए जब तक पूर्ण वेतन प्राप्त नहीं होता तब तक काम बंद कर हड़ताल करने का फैसला लिया है और निगम के समीप टेंट लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया, अपनी यथास्थिति से शासन प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास। नगर पालिक निगम भिलाई की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है क्योंकि हर महीने प्लेसमेंट सफाई कामगार अपने वेतन को लेकर हड़ताल करते नजर आते हैं। जब भी हड़ताल करते हैं तो इन्हें एक माह का वेतन देकर शांत करा दिया जाता है और बकाया वेतन की बात ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। एक बार फिर इन सफाई कामगारों ने नगरी निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन के बैनर तले अपने बकाए वेतन के भुगतान को लेकर वेतन नहीं काम नहीं का नारा बुलंद करते हुए काम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से विगत 3 दिनों से शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इन सफाई कामगारों ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम अपने हड़ताल करने की वजह और आज के समय में उन्हें वेतन न मिल पाने की स्थिति में अपनी यथास्थिति से अवगत कराया है। इसमें सबसे बड़े कारण तो ये है कि शासन के जो दिशा निर्देश जो हैं, उस दिशा निर्देश का संजीदा से गंभीरता से नगर निगम जो हैं, उसका पालन नहीं कर रहा। शासन ने स्पष्ट आदेश जारी किया हुआ है कि आपका जो स्थापना व्यय है 65% से अधिक नहीं होना चाहिए और आपको संचित निधि व्यवस्थित करके रखने का बात बोला गया है। ऐसे सैकड़ों आदेश पत्र जारी किया हुआ नगरी प्रशासन मंत्रालय से नगर निगम को, मगर ये नगर निगम जो है उस नियमों का पालन नहीं कर रहा है और अव्यवस्थित ढंग से जो है वर्करों का जो पेमेंट जो है प्लेसमेंट कर्मचारी नियमित कर्मचारियों का जो पेमेंट है उनको जो है टैक्स के वसूली से उनको भुगतान करना है, मगर सबसे बड़े दुर्भाग्य क्या बात यह है कि उस वसूली का पैसा को भी वो अनगल जो है खर्च कर देते हैं नगर निगम। इसी कारण जो है वर्करों को जो है समय पर उनको वेतन भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ी कारण है कि मजदूरों को समय पर उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, ये मुख्य कारण है। इस बार जो हड़ताल का जो कारण है, काम बंदी का जो कारण है, ये स्पष्ट है कि अक्टूबर नवम्बर दिसंबर और जनवरी का मासिक वेतन भुगतान जो है 1700 प्लेसमेंट कर्मचारी, वाहन चालक, ड्राइवर, नाली झाड़ू, डोर टू डोर कचरा, एसआरएम सेंटर के तमाम कर्मचारियों को भुगतान नहीं हुआ है। इससे कर्मचारी आक्रोशित होकर के जो है अंततः जो मजबूरन जो है काम बंद करना पड़ा है। आगे रणनीति ये है कि जल्द से जल्द अगर भुगतान अगर कर दे, कोई ठोस समझौता करे नगर निगम, तो हम काम में वापस जाने का निर्णय ले सकते हैं। अगर वो जो है अगर ऐसा कोई रणनीति नहीं बनाता है नगर निगम, तो फिर ये अनिश्चित समय तक का जो है यह धरना प्रदर्शन चलते रहेगा और संभवतः जो है ये बड़े स्तर पर हम लोग रणनीति बना रहे हैं। इसको जो है हम जिला स्तर पर या संभाग स्तर पर भी आंदोलन का चर्चा चल रहा है। हम लोगों का प्रदेश स्तरीय जो संगठन बना है, संभाग स्तर में जो है संभाग स्तर के जो पदाधिकारियों से बातचीत चल रहा है हम लोगों का, किसको बड़े रूप में हम लोगों का ले जाने का रणनीति बना रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है सर, चार पाँच महीने से पेमेंट नहीं दे रहे हैं। बच्चों का स्कूल कैसे करेंगे, उसका फीस कैसे भरेंगे, उसको खिलाएंगे कैसे, भूखे पेट काम भी नहीं हो रहा हम लोगों से। और वो बस बोलता है पेमेंट मत लो, सिर्फ काम भर करो। अब काम कितना करेंगे भूखे पेट रह रहे के, साहब हम लोग कुछ नहीं चाहते, हमारा पेमेंट दे दो साहब। और पेमेंट के लिए हम कहाँ कहाँ भटकेंगे, अब हमारे पास भटकने की ताकत भी नहीं है। अब जो करेंगे साहब यही मंच के नीचे से करेंगे। हमारा गरीब है, बहुत गरीब है हम लोग सफाई वाले। कुछ हमारे पास आवक होता तो हम कोई और व्यवस्था कर लेते, गरीब है करके तो झाड़ू लगा रहे हैं। तो हम इतने ही बोल रहे हैं आपके माध्यम से कि हमारा पेमेंट करवा दो साहब, बहुत घर में बहुत परेशानी हो रही है साहब। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जिन सफाई कामगारों की वजह से नगर निगम भिलाई राष्ट्रीय स्तर पर सफाई के लिए पुरस्कार ले रही है, वही कामगार वेतन न मिल पाने की स्थिति में अपने परिवार को चलाने में असमर्थ हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।